नमस्कार दोस्तों। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में। महिलाओं के लिए कब सुधरेंगे हालात, इसके संपादक है आद्वेता काला। ये स्तंभकार जानी मानी पटकथा लेखिका है। हैदराबाद की एक हृदय विदारक घटना से मन बेहद व्यथित है। वहाँ एक महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या से पूरा देश आक्रोशित है। उस 26 वर्षीय युवती ने अभी अपनी जिंदगी ढंग से शुरू ही की थी। आम हिंदुस्तानी मध्यम वर्गीय परिवार की उस लड़की से मेरा कोई निजी परिचय नहीं था, लेकिन उसने पशु चिकित्सक का जो पेशा चुना उससे यही आभास होता है कि वह करुणा भाव से भरी ही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस काम में बेजुबानों के दुख दर्द को समझकर उनका इलाज करना पड़ता है, और यह कोई खास किस्म का शख्स ही कर सकता है। बीते गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात उसके साथ जो हैवानियत हुई वह मानवता को शर्मसार करने वाली है। उससे भी ज़्यादा हमारा रवैया निराश करने वाला रहा किया कि इतना सब कुछ होने के बावजूद हम खामोश रहे। समूचा तंत्र, पूरा समाज और जिन्हें उसकी हिफाजत करनी चाहिए थी वे मौन रहे। जिस दिन उसका जला हुआ सब मिला तब क्या हुआ, जनता की प्रतिनिधि लोकसभा में ने एक पल के लिए उस पर चर्चा करना भी उचित नहीं समझा। ना उसके साथ हुई बर्बरता की भत्सना में एक शब्द फूटा और ना ही उसके शोक संबद्ध परिवार को कोई दिलासा दिया गया। जब ऐसी बर्बरता के बावजूद लोकसभा महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कोई चर्चा तक ना की जाए तब आखिर महिलाओं को क्या करना चाहिए, उनके मुद्दों पर सुनवाई हो। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाना तो दूर, हमारे नेता उल्टे पीड़ितों पर सवाल दागने लगते हैं। जब भी महिलाओं के खिलाफ ऐसा कोई अपराध होता है तो किसी न किसी नेता की जुबान जरूर फिसलती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ जब तेलंगाना के गृह मंत्री ने कहा कि उनकी जैसी पढ़ी लिखी महिला डॉक्टर ने भी पुलिस को फोन करने के बजाय अपनी बहन को क्यों फोन किया। यह एक तरह से अपने पाले में किया गया गोल था। मानो इतना ही काफ़ी नहीं था, बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भी परिवार को तमाम परेशानियां झेलनी पड़ी। यह दर्शाता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की शिकायत को लेकर प्रशासन कितना नकारा और निर्दयी होने के साथ साथ असंवेदनशील भी है। पीड़िता का परिवार रात 11 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचा, लेकिन उनकी गुमशुदा बेटी की तलाश के लिए निकलने में पुलिस को सुबह 3 बज गए। इस दौरान आपराधिक कृत्य का ब्यौरा सामने आता गया। उससे पता चला कि 4 लोगों ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया, उसे इतना प्रताड़ित किया कि वह मौत के मुंह में चली गई। फिर उन दरिंदगों ने उसकी देह को कंबल में लपेटकर आग के हवाले कर दिया। यह सब उस जगह हुआ जहां से वह टोल प्लाजा बेमुश्किल कुछ ही दूरी पर है जहां उसे आखिरी बार देखा गया। अगर पुलिस वक्त रहते कार्रवाई करती तो संभव था कि से कम उसकी जान बचाई जा सकती थी। इसके उलट तत्परता से कार्रवाई के बजाय पुलिस इसी टालमटोल में वक्त जाया करती रही कि यह अपराध किस थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है, क्या इससे भी ज़्यादा कुछ भयावह हो सकता है। पूरे तरह टूट चुके उसके पिता ने कई साक्षात्कारों में अपनी आप सुनाई। वह युवा डॉक्टर न केवल उन दरिंदगों की शिकार हुई जिन्होंने उसकी देह की धज्जियां उड़ाई, बल्कि वह उस तंत्र से भी प्रताड़ित हुई जिसने उसके जीवन की परवाह नहीं की। पुलिस ने पीड़िता की खोज खबर के लिए शीघ्रता दिखाने के बजाय उसके परिवार को कायदे कानून की घुट्टी पिलाई। इससे यही सवाल उठता है कि क्या महिलाओं की जिंदगी मायने नहीं रखती। जाहिर है कि इस मामले में नेताओं ने हमें एक बार फिर निराश किया। मीडिया ने ही इस मामले को उठाया, उन्होंने निर्भया की मां से संपर्क साधा। वह एक और मामले की सुनवाई के लिए पटियाला हाउस अदालत के बाहर मिली,
अपनी बेटी के साथ हुई वीभत्स सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के बाद से उनकी जिंदगी अदालतों के चक्कर काटने में ही गुजर रही है। पहले तो बेटी के साथ हुई बर्बरता के मामले में इंसाफ को लेकर और अब उस न्याय को हासिल करने के लिए जिसका वादा किया गया था, वह अपनी बेटी के क्रूर अपराधियों के लिए मौत की सजा से कम कुछ भी नहीं चाहती हैं। फिर भी हमारा न्यायिक तंत्र उन्हें निराश कर रहा है। देश में दुष्कर्म के सबसे अधिक चर्चित मामले में अगर यह स्थिति है तो फिर अन्य मामलों में क्या उम्मीद की जा सकती है। वर्ष 2016 के एक आंकड़ों के अनुसार भारत में दुष्कर्म के रोजाना 106 मामले सामने आते हैं। इससे पूरी तस्वीर स्पष्ट नहीं होती क्योंकि यहाँ दुष्कर्म के सभी मामलों की रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई जाती है। कुछ सामाजिक पहलुओं और इंसाफ पाने के लिए जटिल न्यायिक प्रक्रिया के कारण इससे जुड़े सभी अपराध दर्ज नहीं हो पाते। इस पर प्रत्येक 4 में से एक मामले में ही अपराध सिद्ध हो पाता है। यह बहुत निराशाजनक दर है। डीएनए विश्लेषण जैसी तकनीक से दोष सिद्धि दर बढ़ाई जा सकती है। इसमें 2018 की एक रिपोर्ट बताती है कि दुष्कर्म से जुड़े 12,000 मामले सिर्फ इसलिए लंबे थे क्योंकि नमूनों की जांच के लिए पर्याप्त प्रयोगशालाएं नहीं है। क्या यह शर्मनाक नहीं है? एक तो अपराध सिद्ध होने की दर इतनी कमजोर है और जिन साक्ष्यों ने से इन अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सकता है उन्हें जुटाने में इतनी देर हो रही है। अगर यह महिलाओं को इंसाफ दिलाने में ही हीला हवाली की मिसाल नहीं है तो क्या है? यह बहुत निराश हताश करने वाली स्थिति है। इसमें नेताओं से सिर्फ नाकामी मिली है। उन्हें महिलाओं की याद केवल चुनाव के दौरान आती है। वे यही उम्मीद करते हैं कि हम कुछ प्रतीकों के उन्माद से में ही संतुष्ट रहें, जैसे मौजूदा संसद में महिलाओं की सबसे ज़्यादा भागीदारी की कुल सांसदों में महिलाओं की संख्या 14.36% हो गई, या 78 कुल सांसदों में 78 हैं, ठीक है, लोकसभा में। यहाँ इस तथ्य को भी याद रखें कि पिछली जनगणना के अनुसार देश की आबादी में 48% महिलाएं हैं। क्या उस हिसाब से यह बराबरी की हिस्सेदारी है? वहीं हमारी संसद महिलाओं के हितों से जुड़े कानून तो बनाती है लेकिन हैदराबाद जैसे भीभत्स मामलों पर चर्चा के लिए नहीं निकाल पाती, समय नहीं निकाल पाती। यह रवैया महिलाओं को आक्रोशित और नाउम्मीद ही करता है। हैदराबाद की उस पीड़िता की जिंदगी के आखिरी घंटों की कल्पना कर आप सहम उठेंगे। रात का घोर अंधेरा, सुनसना सड़क, फोन पर बहन से आखिरी बातचीत में सिर्फ खौफ की अनुभूति। एक बेहद व्यस्त टोल प्लाजा से चंद किलोमीटर की दूरी पर दुष्कर्म। इसके बाद भी बहुत सी उसका वजूद ही मिटा देते हैं। अगर इससे भी आप व्यथित होकर यह नहीं सोचते कि हम महिलाओं को क्यों लगातार निराश कर रहे हैं तो फिर यही समझना होगा कि यह देश आधी आबादी के लिए है ही नहीं।